Good morning aspirants, welcome to Prepare ISE Learning Platform. My name is Manish Shukla और जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है GS Paper 2 का टॉपिक Electoral Reforms या चुनाव सुधार. अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और उस सेशन में एक चर्चा बड़ी जोरों शोरों से आई. आपका जो आधार कार्ड है और जो आपका ई वोटर आईडी कार्ड होता है, उस वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने पे एक लेजिस्लेशन आया. इसके कारण ये जो पूरा मुद्दा है चुनाव सुधार का, ये और प्रासंगिक हो जाता है और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा जा सकता है. तो इस मुद्दे को हम लोग आज यहाँ पे बहुत ही विस्तारपूर्वक कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डील करेंगे, जिससे आप लोग जो भी पढ़ें इसको यूज कर पाएं जाके आगे एग्जाम में. ठीक है, तो देखते हैं क्या है चुनाव सुधार और क्या है इसमें निहित मुद्दे. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है. ठीक है, नीड. उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, वो है वेरियस चैलेंजेस इन आवर इलेक्शन प्रोसेसेस. अलग अलग जो चुनौतियां हैं हमारे चुनावी जो हमारा सिस्टम है उसमें जितनी भी व्याप्त चुनौतियां हैं उनको एक एक करके देखेंगे और चुनौतियां देखने के बाद सरकार ने उन चुनौतियों को निपटते हुए क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या कदम उठाए हैं, उन कदमों पर चर्चा करेंगे. और उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा कि क्या वे आउट हो सकता है, कैसे हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर कर सकते हैं. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ हम ये टॉपिक डील करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कहते किसको हैं. व्हाट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म? तो देखिए, रिफॉर्म का मतलब होता है डेवलपमेंटल चेंजेस. सुधार आधारित, विकास आधारित जो बदलाव होते हैं उनको हम रिफॉर्म्स कहते हैं. तो उसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या हैं? दीज आर डेवलपमेंटल चेंजेस. अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों आपको आवश्यकता क्यों है ये सुधार करने की, नीड क्या है? तो देखिए, आवश्यकता ये है कि अगर हम एक बेहतर डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, ए ट्रू डेमोक्रेसी, तो उस ट्रू डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, तो अगर आपको फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने हैं जिससे कि आपकी एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, तो उसके रेफरेंस में आपको चुनाव सुधार करने होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने होंगे. तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है एक बेहतर लोकतंत्र स्थापित करना. हमारे जो फोर फादर्स थे उनकी जो एस्पिरेशंस थी, आकांक्षाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते टाइम, उन एस्पिरेशंस को फुलफिल करना. ठीक है, तो इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें. तो ये तो रही जहां तक बात है आवश्यकता. अब जो अगला पार्ट है और जो सबकी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉम्प्लेक्स है, वो है चुनौतियां क्या हैं. हमारा जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसमें व्याप्त क्या चुनौतियां हैं. ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम चुनौतियों को देखें. पहले मैं चुनौतियों को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वहां पे हम लोग वे आउट को देखेंगे. ठीक है, सबसे पहली और मुख्य चुनौती है मनी पावर, जिसको हम धन बल बोलते हैं. ठीक है, मनी पावर, और इसी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं हम फ्रीबीज. ठीक है, मनी पावर एंड फ्रीबीज. उसके अलावा मसल पावर, बाहुबल. मसल पावर के ही अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण. ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक पड़ता है वो है इलेक्शन कमीशन और उसकी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता. इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंट में कि क्या इलेक्शन कमीशन
कि इंडिपेंडेंस जो है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है, जो गवर्नमेंट है सत्ता में, वो क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जहां पे पीएमओ ने एक मीटिंग बुलाई चीफ इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, तो वहां पे ये फिर से बहुत ही टॉपिक चर्चा में आ गया, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके अलावा हम यहां पे एग्जिट पोल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको देखेंगे, पेड न्यूज और फेक न्यूज। ठीक है, तो एक एक करके इन मुद्दों को देखते हैं व्यापकता से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मनी पावर एंड फ्री बीज। तो चलिए देखते हैं मनी पावर एंड फ्री बीज में क्या क्या निहित मुद्दे हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मनी पावर या धन बल, पहला क्वेश्चन यह आता है कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, जो एक्सपेंडिचर है, मनी है, वो चुनाव के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो जो नेशनल कमीशन बना था कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, उसने ये अनुशंसा दी, उसने ये बताया कि दरअसल चुनाव में होने वाला जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और उस बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर को मीट करने का एक जो बड़ा इनके पास सोर्स बनता है वो बनता है करप्शन। अब हम ये देखें पहली चीज कि एक्सपेंडिचर आखिर बढ़ क्यों रहा है। ठीक, तो मनी पावर में जब हम चर्चा करेंगे तो पहली बात तो हम ये देखेंगे इनका जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो इतना बढ़ क्यों रहा है, कहां कहां पे एक्सपेंडिचर की आवश्यकता है। तो देखिए, जो पहला इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो इलेक्शनियरिंग प्रोसेस है, रैलीज हैं, पैम्फलेट्स हैं, प्रोसेशंस हैं, धरने हैं, इन सब के लिए ऑब्वियसली बात है आपको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। तो जो एक लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर की अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं, उसमें हम इलेक्शनियरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस, उस प्रक्रिया में काफी एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कुछ मेंबर्स हैं, ऑब्वियस ही बात है उनको कुछ पे करना पड़ता होगा आपको। तो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसको रन करने में जो खर्चा आपका आता है, और उसके साथ साथ एक जो हालिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर का, जहां पे आपको एक्सपेंडिचर करना होता है, वो होता है एयर टाइम। टीवी पे आपको एयर टाइम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि मासेस तक टीवी की पहुंच होती है, तो ऑब्वियस ही बात है मासेस तक आप अपना एजेंडा ले जाना चाहते हैं, तो उसका एक माध्यम है टीवी एयर टाइम। इस टीवी एयर टाइम को आपको लेना पड़ता है, इसमें आपका पैसा जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है इतने सारे खर्चे जो है, जो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आप देखते होंगे इतनी सारी रैलीज होती हैं, इतना दिन भर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपने अपने एजेंडे के साथ टीवी पे आते रहते हैं, तो इस समय खर्चा होता है। ऑब्वियस ही बात है इस बढ़े हुए एक्सपेंडिचर का एक सोर्स क्या हो जाता है, करप्शन, और यहीं पे एंट्री होती है मनी पावर, जिसके पास है धन बल। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एक बेहतर स्थिति में होगा। ऐसा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मानना है कि इन कारणों से इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन बल को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो पहली बात तो ये रही। दूसरा बात करें कि क्यों मनी पावर कितनी आवश्यकता है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट बनता है वो है वोट बाइंग, मतों को खरीदना। आपने देखा होगा इलेक्शन के दो दिन पहले अचानक से जो है पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो गांव गांव विजिट करते हैं और वोट बाइंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये वोट बाइंग की प्रक्रिया क्या है, ऑब्वियस सी बात है इस प्रक्रिया में आप इललिजिटिमेट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक, तो इललिजिटिमेट एक्सपेंडिचर आप किस चीज पे कर रहे हैं कि आपके फेवर में वोट पड़े। इस जो ये वोट बाइंग का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है,
ये इंश्योर करता है कि केवल वही लोग जिनके पास मनी पावर है वो सक्सीड होंगे ओवर दोज पीपल हु आर पब्लिक स्पिरिटेड। तो भले ही आप कितना पब्लिक स्पिरिटेड हो, कितना ही जन कल्याण के लिए आपको काम करना हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपकी सोच हो, लेकिन जब तक ऐसे व्यक्ति हैं तब तक वोट बाई होते रहेंगे और ये मनी पावर को इम्पॉर्टेंट बनाते जाएगा। अब एक मैं डेटा आपको देता हूं, जो 17th लोकसभा है 2019 में, उसमें मोर देन 80% जो आपके लोकसभा एमपीज हैं ये करोड़पतीज हैं। तो एक विडंबना वाली सिचुएशन यहां पे ऐसी आ रही है कि जहां पे गरीब मतदाता और उसके प्रतिनिधि जो है वो करोड़पति है। विडंबना कि नहीं? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको वोट बाइंग करना है, इनको मतों को खरीदना है, और ये सब मनी पावर को फिर से, जैसा मैंने पहले कहा, ये मुख्य धारा में ला देता है चुनावी प्रक्रिया की। ठीक है, इसी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं एक और पॉइंट, और जो कि आजकल बड़ा चर्चा में है, वो है फ्रीबीज। देखिए, जो इलेक्शन कंडक्ट रूल्स है बहुत ही स्पेसिफिकली ब्राइबरी को ऑफेंस मानते हैं। आप ब्राइब नहीं कर सकते मतदाताओं को, लेकिन अब फ्रीबीज एक तरीके की ब्राइबरी ही है, जहां पे कहा जाता है कि भाई आप हमको चुनाव जिताइए, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको बाइसिकल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये जो फ्रीबीज का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो इन तीन चीजों की वजह से मुख्यतः जो धन बल है वो चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, वो बढ़ता जा रहा है। अब अगला जो पार्ट आता है वो ये है कि कैसे हम इस प्रोसेस से निकलें, क्या वे आउट हो। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो वे आउट की बात है वो हम एक साथ करेंगे, सारे के सारे वे आउट देखेंगे, पहले एक एक करके हम चैलेंजेस देख लेते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये जो मनी पावर का पूरा कंसेप्ट है ये समझ आया होगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है इलेक्शन प्रोसेस में वो है मसल पावर, या जिसको हम बाहुबल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है मसल पावर। मसल पावर या बाहुबल, तो कुछ कंट्रोवर्सीज आजकल आपके सामने हैं, जहां पे ऐसा आरोप लगा गृह राज्य मंत्री के बेटे पे कि भाई उन्होंने सत्ता में आने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया है या सतत तरीके से कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, आप लोगों को इस तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की चीजें मेंशन नहीं करनी है, बट क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है बहुत चर्चा में रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको उस तरीके से समझाने के लिए इसको मेंशन कर रहा हूं। अब देखिए, मसल पावर या बाहुबल है क्या, क्या है मसल पावर? देखिए, चार चीजें आती हैं इसमें। पहली चीज तो प्री पोल इंटीमिडेशन, पोलिंग होने से पहले वोटर्स को इंटिमिडेट करना। ठीक है, देन पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन, ठीक है, उसके अलावा रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, ये सब मिलके बनाता है, इसको बोलते हैं यूज ऑफ मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग। प्री पोल इंटिमिडेशन क्या है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे जो चुनाव में कंटेस्ट कर रहे होते हैं वो जनता को धमकी देते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के, उनकी जो चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कि भाई अगर यहां से हमको वोट नहीं मिला तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, आपका क्या होगा। इसको बोलते हैं इंटिमिडेट करना। ठीक है, क्लियर। और ये आप कहेंगे पता कैसे चल जाता है कि किसी क्षेत्र के व्यक्ति ने हमको वोट किया कि नहीं? भारत में जो ईवीएम मशीन यूज होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उसका रिजल्ट आता है, टोटलाइजर मशीन हम लोग यूज नहीं करते।
आगे हम पढ़ेंगे जब ईवीएम देखेंगे तो ईवीएम को और डिटेल में देखेंगे तो पता चल जाता है कि भाई किस एरिया से किस तरीके से वोट पड़ा। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही क्लियरली इंटीमिडिएट कर देते हैं ऐसे लोग जिनके पास बाहुबल है कि भाई हमको वोट पड़े, अदरवाइज आपके कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए मतदाताओं के लिए बुरे होंगे, ऐसी धमकी दी जाती है। देन पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन। अब जैसा मैंने बताया टोटलाइजर मशीन यूज नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बूथ वाइज पता चल गया कि किस बूथ में कहां से कितनी वोट किसको पड़ी है। ठीक है, उसके बाद पता चला कि भाई फलाना बूथ से इनको मुझे वोट नहीं मिला। इस तरीके से एक बार आप सत्ता में आ जाएं, फिर जो विकास की प्रक्रियाएं हैं उस क्षेत्र में आप उनको रोक देते हैं, उनकी गति धीमा कर देते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन। और रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग से तो आप लोग अवगत ही होंगे। तो ये सब मिलके बनाता है चुनाव में बाहुबल का अनुप्रयोग, यूज अ मसल पावर इन इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इसको देखिए, ये चार चीजें करके जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो पहली चीज तो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, फिर विधायिका का पार्ट बन जाते हैं, हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट बन जाते हैं, और देन ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूटिव या जो सत्ता गवर्नमेंट जिसको आप लोग सिंपल कोलोकियल भाषा में बोलते हैं वो सरकार का पार्ट बन जाते हैं, पावर बिल्ड करने लगते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे चल के बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, अब एक मैं डेटा आपको देता हूं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक बॉडी है ADR, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज करती है। जब भी आप किसी चीज को, किसी आर्ग्यूमेंट को बोलेंगे कि भाई सत्ता का अपराधीकरण हो रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट के पीछे कोई रिपोर्ट, कोई डेटा होना चाहिए। तो जैसे अब यहां पे मैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कोट करूं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कहता है कि जो पिछली तीन लोकसभा है 2009, 2014 और 2019, इसमें प्रोग्रेसिवली ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं लोकसभा की बात करें अगर, तो उसमें बढ़े हैं। ये कहता है कि 2009 में जहां ये आंकड़ा 30% के करीब था, वहीं 2014 में बढ़ के 34% हो गया, और 2019 तक आते आते ये 49% हो गया। मतलब जो करंट लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, उसमें 49% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। तो ये क्या दिखाता है, 30% से 34% और 34% से 49%, ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, राजनीति का अपराधीकरण प्रोग्रेसिवली इन्हांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अभी तक तो हमने बस ये देखा कि मसल पावर होता क्या है और कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता जा रहा है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्यों भाई मसल पावर क्यों हो रहा है, कारण क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। तो अब कारणों पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो पहला बड़ा कारण आप देखते हैं यूज ऑफ मसल पावर का, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, तो जो पहला बड़ा कारण यहां पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या मसल पावर का आता है वो है नेक्सस, द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स। जो ये आपराधिक तत्व हैं और जो राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ हैं उनके बीच एक अनहोली नेक्सस है। अब आप पूछेंगे कि ये नेक्सस क्यों है, भाई ऐसा क्या कारण है कि राजनीतिक दलों को इन क्रिमिनल एलिमेंट्स को शेल्टर देना पड़ रहा है, इनको प्रेशर देना पड़ रहा है, इनको बढ़ावा देना पड़ रहा है। तो देखिए ये चीजें एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। अभी आपने मनी पावर पढ़ा और देखा क्यों धन की आवश्यकता चुनाव में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो अगर धन की आवश्यकता बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज
उन लोगों को प्रेफरेंस देंगी इलेक्शन में जो अपना चुनावी एक्सपेंडिचर खुद अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे होता क्या है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे कंटेस्टेंट चाहिए जो चुनाव का, इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए दल पे ना निर्भर रहे कि जब पार्टी से फंड आएगा तब हम खर्चा करेंगे, इन इस एक्सपेंडिचर के लिए ये खुद सक्षम हो। और ऑब्वियस सी बात है क्रिमिनल होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध में भी शामिल होते हैं, तो इनके पास अपना पैसे के जो सोर्सेस होते हैं वो बेहतर होते हैं, एक क्लाउट भी होता है लोगों पे। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं ये ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को, ऐसे आपराधिक तत्वों को राजनीति में प्रशय या बढ़ावा देते हैं। बात समझ आई आपको? चुनाव में खर्चे की मांग बढ़ती जा रही है और जो ये क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं अमूमन इनके पास पैसा होता है, तो ये जो अपना चुनावी खर्चा है इस चुनावी खर्चा को खुद देख सकते हैं, ना कि पार्टी पे निर्भर रहते हैं। ठीक? इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को प्रशय देती है। तो पहला तो कारण यह समझ आता है कि भाई इसलिए जो है राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपराधीकरण बढ़ रहा है। लेकिन मात्र यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कारण है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण बनता है हमारा जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रक्रिया। और हमारा जुडिशियल सिस्टम क्रिमिनलाइजेशन या पॉलिटिक्स को लेकर कैसा है ये समझिए। तो पहली चीज तो ये है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवेन गिल्टी। कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। तो मात्र किसी पे आरोप लग जाए इस वजह से आप उसको गिल्टी नहीं मान लेंगे। तो जब तक किसी पे आरोप लगा तब तक उसको गिल्टी नहीं माना जा रहा है, जब तक आप उसको कन्विक्ट ना करा दें कोर्ट से। अब ये जो कन्विक्शन तक आने का, जब इसकी दोष सिद्धि होगी तब तक की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत ही, इसमें बहुत ही देर लगता है, समय लगता है, बहुत ही डिलेड प्रक्रिया है। ठीक है? तो पहली चीज तो डिले होती है, देर होती है, काफी देरी में कन्विक्शन होता है। और मान लीजिए जब कन्विक्शन का टाइम आता भी है तो अगर कन्विक्शन रेट को आप देखेंगे, दोष सिद्धि के दर को देखेंगे, किस चीज में? ऐसे पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं इसका अगर आप कन्विक्शन रेट भारत में देखेंगे तो इट इज लेस देन 6%, ये 6% से भी कम है। तो एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया जहां पे पहली चीज तो कन्विक्शन तक आने में ही काफी टाइम जो है लग जाता है, और उसके बाद कन्विक्शन तक जब हम पहुंचते हैं तो मात्र 6% दोष सिद्धि का दर है, तो आप समझिए। और हम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? इनोसेंट अंटिल प्रूवेन गिल्टी। तो ये व्यक्ति इस पूरे समय तक या इसके बाद भी 94% ऑफ द केसेस में राजनीति में बना रहता है। बात आई आपको समझ? तो इस कारण राजनीति का अपराधीकरण आप देखते हैं वो बढ़ रहा है। तो दो क्या प्रमुख कारण आपको समझ में आए? नीड ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर इन द इलेक्शंस, और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं ये अपना खर्चा खुद अरेंज कर सकते हैं, इसलिए एक अनहोनी नेक्सस है पॉलिटिकल पार्टी और क्रिमिनल एलिमेंट्स के बीच। और दूसरा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जहां पे कन्विक्शन तक आने में काफी डिले है और कन्विक्शन रेट भी जो है वो मात्र 6% के करीब है, तो ऐसी स्थिति में राजनीति में आपराधिक तत्वों का बोलबाला देख रहे हैं, जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट आपको दिखा रही है। क्लियर हुआ पार्ट? अब जब वे आउट देखेंगे तब तो वहां पे देखेंगे कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है यहां पे क्या ट्विक्स किए जा सकते हैं। ठीक? क्लियर? तो ये तो रहा सेकेंड चैलेंज, जिसको हम बोलते हैं मसल पावर, यू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दूसरी शब्दों में। ठीक है? क्लियर?
तो दो प्रमुख मुद्दे हमने अभी तक देखे हैं, दो प्रमुख चुनौतियां देखी हैं, पहला मनी पावर और दूसरा मसल पावर। अब तीसरा एक चैलेंज देखते हैं, देखिए एवरग्रीन टॉपिक है, इससे आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरा एक प्रमुख चुनौती पड़ती है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। देखिए चुनावों के बेहतर होने के लिए एक बेहतर लोकतंत्र कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ठीक, अब उस संदर्भ में जो भी पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, उसके द्वारा जो सरकारी मशीनरी है उसका अपने राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने हेतु तो उसका दुरुपयोग होता है चुनाव के दौरान, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब ये किस तरीके से होता है वो आप लोग देखिए, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और आप लोग देख भी रहे होंगे, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता होगा वो देखता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले कुछ दिनों से बहुत ही एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट कर रही है। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले ही चुनावी प्रक्रियाएं जो है, चुनावी प्रचार शुरू हो जाता है और सरकार और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के बीच जो नेसेसरी बफर होना चाहिए वो खत्म होने लगता है, इरोड होने लगता है। कैसे? यहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट कौन देता है? सरकार देती है पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से। ठीक है, जो सरकारी धन है उससे एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं, सरकारी विज्ञापन, और इन विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि भाई हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में, 4.25 साल में क्या अचीवमेंट्स किए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है इसकी जो भाषा होती है उस तरीके की होती है कि आप देखेंगे कि यहां पे सरकार अपनी योजनाएं, सूचनाएं लोगों तक ले जाने का पर्पज कम और उस राजनीतिक दल को लोगों तक ले जाने का पर्पज ज्यादा होता है। देखिए ये गलत नहीं है, लेकिन ये पब्लिक एक्सचेकर लोगों के पैसे पे हो रहा है, ये चीज यहां पे क्या करती है, लेवल प्लेइंग फील्ड को इरोड करती है। क्योंकि भाई जो विपक्षी दल का व्यक्ति है, जो जो चुनाव कंटेस्ट कर रहा है, उसके पास तो सरकारी पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इरोड हो गई। तो ये मुद्दा पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। उसके अलावा आप देखें, देखिए जितनी भी मिनिस्ट्री होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास एक डिस्क्रिशनरी फंड होता है जो कि उनके डिस्पोजल पे होता है। तो जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं ये मिनिस्टर्स लोग क्या करते हैं कि ये इनके पास जो ये डिस्क्रिशनरी फंड है इससे पैसा डिस्पर्स करने लगते हैं, रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं अगर राजनीति में प्रॉपर्टी को आप देखेंगे, शुचिता को देखेंगे, तो शुचिता के दायरे से बाहर है, लेवल प्लेइंग फील्ड को इरोड करता है अगेन। ठीक है, फिर ऑब्वियस सी बात है सेफ्टी पर्पस से कई बार आप देखते हैं प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इनका पूरा एक कॉन्वे होता है, पूरा गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं, जहां जहां भी रैली में जाते हैं, ठीक है, उनमें ये गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ही होता है। आप देखेंगे चुनावी रैली और सरकारी कार्यक्रम, इसके बीच का जो अंतर है वो बहुत ही धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब से हम क्या एक चीज इन्फर कर सकते हैं कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है और लेवल प्लेइंग फील्ड को इरोड करता है, जिससे कि जिस चीज को हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं कमजोर होता है और अल्टीमेटली जो बेहतर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसको इरोड करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो तीन चैलेंजेस अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, मनी पावर, मसल पावर एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब इसके आगे चलेंगे बात करने। देखिए
एक इसी में और एक मुद्दा आता है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक जो चुनाव आयोग है उसकी स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और उसकी स्वतंत्रता। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्तियों के पृथककरण, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। और इस सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट इसलिए है ताकि कोई भी एक ऑर्गन आर्बिट्रेरी मैनर में काम ना करे, एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था बनी रहे। उसी व्यवस्था के अनुरूप कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं जिसको कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है उससे कुछ इंडिपेंडेंस दी गई है, कुछ स्वायत्तता या स्वतंत्रता दी गई है। अब उस चीज को देखेंगे हम कि कैसे जो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस है इसको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि इलेक्शन प्रोसेस को कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर होने से रोकते हैं, ऑब्स्टेकल बनाते हैं उसमें। तो जब भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इंडिपेंडेंस आपको देखनी हो तो आप उसमें तीन चीजें ध्यान रखें। उसके अपॉइंटमेंट की क्या प्रक्रिया है, सर्विस कंडीशंस क्या है, रिमूवल की क्या प्रक्रिया है, और आफ्टर रिमूवल कुछ पर्क्स या बेनिफिट तो नहीं है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट पे। अपॉइंटमेंट, ठीक, देखिए अभी हाल में ही कुछ सालों पहले लोकपाल बड़ा चर्चा में आया। लोकपाल का आप अपॉइंटमेंट देखेंगे तो एक ब्रॉड बेस्ड बॉडी होती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जुडिशरी के कुछ मेंबर्स होते हैं, सरकार के कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मिलके कुछ नामों की अनुशंसा प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पे अब जैसा कि आपने देखा इस मल्टी मेंबर बॉडी में सरकार, विपक्ष और अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं सबको शामिल किया गया, तो ऐसे नाम निकल के आते हैं जिन पे सबकी सहमति हो, जिन पे बायसनेस का आरोप लगाया ना जा सके, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, तो यहां पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट सीधे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे करते हैं, अनुशंसा पे करते हैं, और इसमें कोई ब्रॉड बेस्ड बॉडी नहीं है जैसे कि लोकपाल में होता है। तो पहली चीज तो यह है, ये विम्स एंड फैंसीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि वह किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहे या इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहे। इसके लिए कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो कि बहुत विस्तृत संविधान में नहीं दिए गए हैं। इसलिए ये पूरा जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, यहाँ पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है, उसकी विम्स एंड फैंसिस पे हो जाता है, बैलेंस्ड प्रक्रिया नहीं रहती है। लोकपाल में आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, जुडिशरी सबको शामिल किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट की ही प्रक्रिया से कहीं ना कहीं ये बायसनेस आपको दिखने लगती है, ठीक। फिर अगली बात करें, इलेक्शन कमीशन का जो बजट है, ये बजट देखिए, इलेक्शन कमीशन के अलावा कुछ और बुलवॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं जैसे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इन दोनों बॉडीज का जो बजट है इस बजट पे वोटिंग नहीं हो सकती संसद में। अनलाइक दिस, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके बजट पे वोटिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इसको आप वोटिंग के दायरे में लाएंगे, जो भी राजनीतिक दल जिसका बहुमत है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस चुनाव आयोग की कार्यवाही में हो सकती है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जिसकी बजट की प्रक्रिया है वो यूपीएससी या कैग जैसी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट एब्सेंट है। तो जब भी इसको अपने कुछ ऑफिसर्स नियुक्त करने होते हैं
तो वो प्रक्रिया ये डीओपीटी के थ्रू करता है, जो कि एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डीओपीटी के थ्रू जब भी किसी इलेक्शन कमीशन को किसी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होती है तो डीओपीटी पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई इसका खुद का स्वायत्त कोई सचिवालय इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, क्लियर। उसके अलावा अब हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट हो गया, ये ड्यूरिंग हो गया, अब हम टर्मिनेशन पे बात करते हैं कि कैसे रिमूवल की क्या प्रक्रिया है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए, जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो भारत में केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। भारत के जो मुख्य चुनावी चुनाव आयुक्त हैं उनको, कैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन, पहले चीज तो आप ये समझिए इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें तीन मेंबर होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अगर इनको हटाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होती है। तो ये प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ऐसा कि ये इनका रिमूवल ना हो पाए, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ही जटिल है। जो मेजॉरिटी चाहिए वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो वो संभव नहीं हो पाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई सरकार जब चाहे तब इनको निकाल नहीं सकती, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके केस में तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला एक मल्टी मेंबर बॉडी है। जो और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं यहां पे दो, उनका जो रिमूवल है वो इनके रिकमेंडेशन पे सरकार कर देती है, तो मात्र इनकी अनुशंसा पे इनका रिमूवल हो जाता है। तो जो और इलेक्शन कमिश्नर्स जो दो बचे उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इस तरीके से नहीं दी जाती। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीन मेंबर की बॉडी है इनके पास लगभग लगभग इक्वल पावर्स होती हैं। तो अगर दो लोग एक ऐसी तीन लोगों की बॉडी में दो लोगों के पे सरकार का डोमिनेंस हो सकता है तो सरकार जैसा चाहे वैसा करा सकती है, ठीक है। तो ऐसे कंसर्न्स रेज होते हैं। उसके बाद आप ये समझिए कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, जैसा कि यूपीएससी और कैग पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस इलेक्शन कमिश्नर्स के रिटायरमेंट के बाद नहीं है। यूपीएससी और कैग आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकते, लेकिन यही प्रतिबंध इनके ऊपर नहीं है। तो क्विड प्रो क्यू हो सकता है यहाँ पे कि सरकार कहे कि भाई आप हमारे अकॉर्डिंग काम करिए और जब आप रिटायर होंगे तब हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, ये गवर्नमेंट पोस्ट देंगे, ठीक है। तो ये जो मुख्य संस्था है जो हमारे पूरे चुनाव कराती है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, वो खुद कहीं ना कहीं जो सरकार है उससे उसकी स्वतंत्रता को इन तरीकों से खतरा जो है वो प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये अगला बड़ा चैलेंज जो है इलेक्शन कमीशन के सामने, जो चुनावी प्रक्रिया है उसके सामने आती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे। आप लोग एक काम करिए, जब इस लेक्चर को देखें तो साथ में कॉपी और अपना पेन लेके बैठें और पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।